बहुत टेंशन हो रही है पापा, अभी तक रूम से बाहर निकले नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा ना होने के कोई सॉलिड प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा जैसे तू वहां से पहले का सेकंड सोता ना, बिल्कुल वैसे। क्योंकि कल का गुस्सा देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि आप और मैं, मुझे हम दोनों को ना इनफैक्ट कल दे होता मेरे को, कुछ तो है, कुछ तो है जो सोच रहे, कुछ तो चल रहा होगा। कहा चाट भंडार की बात को लेकर पिता के नाराज होने के बाद तीर्थ हुआ परेशान। सुमन ने दिया तीर्थ को हौसला। दोनों मिलकर कर रहे हैं दिवाली की तैयारी। कलर्स टीवी के शो सुमन इंदौरी की ऑन लोकेशन से हम आपके लिए कुछ खास चुटकियां लेकर आए हैं, जहां पर सुमन और तीर्थ दोनों मिलकर सज सवर कर रहे हैं दिवाली की तैयारी। दोनों मिलकर रंगोली बना रहे हैं, जहां पर सुमन का ध्यान तो रंगोली पर है, तो वहीं तीर्थ रंगोली बिगाड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि तीर्थ का ध्यान है पिताजी के कमरे की ओर। दरअसल कुछ वक्त पहले ही पिता ने तीर्थ को देख लिया था सुमन के साथ उसके चाट भंडार पर एक साथ काम करते हुए, जहां पर उसे काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट सहने को मिली। अब यहां पर वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल रहे, तीर्थ ये सोच रहा है कि पापा कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए वो कमरे से बाहर नहीं आ रहे। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा क्यूरियस भी है। सुमन उसे बताती है कि हो सकता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ना हो। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब तीर्थ के पिता कौन सा बड़ा ऐलान करते हैं। यहाँ पर नमकीन किंग क्या अपनी बहू को एक छोटे से चाट भंडार में काम करने देंगे, और क्या तीर्थ को लेकर वो कोई सुनाएंगे एक बहुत बड़ा फरमान। आने वाले एपिसोड को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे ना सबसे बहुत टेंशन हो रही है, पापा अभी तक रूम से बाहर निकले नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पापा ना होने के कोई सॉलिड प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा जैसे तू वहां से पहले का सेकंड सोता ना, बिल्कुल वैसे। क्योंकि कल का गुस्सा देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि आप और मैं, मुझे हम दोनों को ना इनफैक्ट कर दे होता मेरे को, कुछ तो है जो सोच रहे, कुछ तो चल रहा होगा। आप मेरे लिए कंप्लीट कीजिए।